पांच साल कबल भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका है। ये तमाम इकदाम अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी आवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मज़मूम भारतीय इक़दामात और उनके संगीन नतायज की शुरुआत हुई। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत को इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की भरपूर इखलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आइन में तब्दीली करके कश्मीरियों के हकूक खत्म करना भारत की खाम ख्याली है। एक दिन कश्मीर जरूर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जरूरी होगा। पाकिस्तान ने कश्मीर और गजा का मुकदमा पूरी दुनिया में जिम्मेदारी से लड़ा। बैनुल अक़वामी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाजत दी जाए। भारत फौरी तौर पर राय शुमारी कराने का ऐलान करे। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली से खिताब। दो हज़ार 2019 के भारत इकदाम से कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, इसका कोई जवाज़ नहीं। हम निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों की सपोर्ट जारी रखेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक निहत्ते मजलूम कश्मीरियों का हक दिया जाए। भारत का जुल्म जबर किसी दिन ज़रूर ख़त्म होगा। विफाक़ी वज़ीर इत्तला'आत अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाक़ी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, हम मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। क्रिकेट टीम की मेरिट पर तश्कीलें न करें, वजीर आजम भी किसी की सिफारिश करें तो ना माने। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को क्रिकेट टीम पर भरपूर तवज्जो देने की हिदायत। कदाफी स्टेडियम की तामीर नौ की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, उम्मीद है कि क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन होगा। क्रिकेट टीम की तश्कील नौ बड़ी कामयाबी होगी। क्रिकेट ग्राउंड को जदीद तर्ज पर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम बुरा नहीं, ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत नहीं। डोमेस्टिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारा मकसद है अच्छे खिलाड़ियों को सामने लाएं। डोमेस्टिक चैंपियंस कप में हर साल होगा। 5 टीमों में 30 खिलाड़ी शामिल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडवाइज़र चेयरमैन PCB वक़ार यूनुस ने कहा, क्रिकेट को नहीं निखारेंगे तो क्रिकेट मजीद नीचे चली जाएगी। चैंपियंस कप का आइडिया अच्छा है, उम्मीद है काम करेगा। जब तक खेलने का तरीका नहीं बदलेगा बेहतरी नहीं आएगी। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी डेरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरुआत से खिताब करते हुए कहा, हर हुकूमत में IPPs के नुमाइंदगान मौजूद रहे। कुछ लोगों को नवाजने की सजा आवाम क्यों भुगते। IPPs से मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करें। हुकूमत चीज़ों को ठीक करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हुकूमत अपने खर्चे कम करके आवाम को रिलीफ दे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से जारी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। 2 रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी। ज़िला स्तौर में सैलाब के बाइस मुतअद्दिद मकानात फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। बिजली की सप्लाई मुतासर। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित के इलाके रहीमाबाद में सैलाब से ज़मीनी और दीगर रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए। चित्राल में सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली का काम जारी। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रोहड़ी कैनाल के शगाफ को पुर करने का काम भी ताहाल जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा।
बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन ने कोयटा में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ की। पुरतशद्दुद एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने सब्र का दामन थामे रखा। धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म करवाना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। हुकूमत ने तमाम मुतालबात तस्लीम किए, 75 अफराद को रिहा किया, शाहराहें खोल दीं। तहरीरी मुआहिदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। वज़ीर दाखला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू का BYC के एहतजाज पर वीडियो बयान। बेटा ही बाप का कातिल निकला। PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेटे क्यूम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। बाप खर्चे के लिए पैसे नहीं देता था, बेजा सख्ती करता था, शूटर्स के जरिए मरवा दिया। बाप के कत्ल की पहली डील 50 लाख रुपए में की गई, दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया। मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा भी खुद पढ़ाई। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा, इलाकाई तनाज़े से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें जारी। अमरीका, बरतानिया और सऊदीया की शहरियों के लबनान छोड़ने की हिदायत। कैनेडा ने शहरियों को इसराइल के सफर से रोक दिया। मशरिक वस्ता में फौजी इकदाम का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा, फौजी इकदाम का मकसद हमलों को रोकना और इलाकाई तनाजात से बचाना है। अप्रैल में इलाकाई तसादम का इम्कान बहुत करीब पहुंच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा हो तो तैयारी की जाए। उम्मीद है ईरान धमकी देने के बावजूद बदला नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद जंग के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बहीमाना कत्ल आलमी कवानीन के खिलाफ फर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। इसराइली सदर मसूद पजिशियान का बयान। इस्लामी तावन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर खारजा का इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर खारजा इसहाक डार करेंगे। बरतानिया के मुतअद्दिद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज में 15 पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तैल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए। पुलिस ने पुरतशद्दुद हंगामों में मुलव्वस 250 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का मुजाहिरीन को सजाएं देने के लिए अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। बरतानिया में दाएं बाजू के हामी अफराद साउथ पोल में बच्चों के कत्ल के बाद एहतजाज कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर में मसाजिद के तहफ़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम सर केयर स्टामर ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, मुल्क में सबको रहने का हक है। दाएं बाजू के गुंडों से कानून पूरी क़ुव्वत से निपटेगा, ये एहतजाज नहीं गुंडागर्दी है। अमरीका के यमन में ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम। यमनी हौसियों ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ड्रोन को यमनी हदूद में दाखिल होते ही मार गिराया। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। यमनी हौसियों ने तबाहशुदा अमरीकी ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। गजा में काबिज़ इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज के एक बार फिर पनाह गुजीन स्कूलों पर हमले, 30 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी इसराइली फौज ने मजीद बॉम्ब बरसाए। शहदा की मजमूई तादाद 39,583 हो गई, 91,398 जख्मी हो चुके हैं।